वेलकम गाइस दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित। हमारे चैनल दिल्ली डीटीसी पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डीटीसी बस रूट 333 की। दोस्तों बस रूट 333 जहांगीरपुरी टर्मिनल से आनंद विहार आईएसबीटी तक जाती है और इस बस की सुबह चलने की जो टाइमिंग है सुबह 5 बजे से रात 8:30 बजे तक ये बस चलाई जाती है। इस दौरान ये बस 70 स्टॉप कवर करती है, जो वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा आने वाली डीटीसी बसों की सभी रूटों की जानकारी आप हमारे चैनल पर सबसे पहले देख सकें। और अब बात करते हैं इस बस के रूट की, जहां से ये बस चलाई जाती है। तो इसका पहला स्टॉप जहांगीरपुरी टर्मिनल, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है ई ब्लॉक जहांगीरपुरी टर्मिनल, इसके बाद जो स्टॉप आता है जहांगीरपुरी के ब्लॉक। दोस्तों अब जो स्टैंड आता है जहांगीरपुरी ए ब्लॉक, अगला स्टैंड जो आता है जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन, फिर जो स्टैंड आता है महिंद्रा पार्क। और अब चलते हैं दोस्तों इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है सराय पीपल थाला, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, इसके बाद जो स्टॉप आता है भरोला गांव। दोस्तों अब दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली की सड़कों पर प्रीमियम बसें भी चलाई जाएंगी। इन बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, जीपीएस, 2x2 की सीटें, वाईफाई की इन बसों में सुविधा दी जाएगी। काफी एडवांस ये बसें होंगी। इन बसों में कोई भी यात्री खड़े होकर ट्रैवल नहीं करेगा, सभी को सीटें दी जाएंगी। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन को और ज्यादा बेहतर किया जा रहा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है न्यू सब्जी मंडी, इसके बाद जो स्टॉप आएगा केवल पार्क, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है आजादपुर मेट्रो स्टेशन। दोस्तों अब जो स्टैंड आता है मॉडल टाउन 3, अगला स्टैंड जो आता है मॉडल टाउन 2, फिर जो स्टैंड आता है अल्पना सिनेमा मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन। और अब चलते हैं इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है न्यू पुलिस लाइन, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है कैंप चौक, इसके बाद जो स्टॉप आता है टीबी हॉस्पिटल। दोस्तों अब आप भी अपने मोबाइल फोन से दिल्ली में चलाई जाने वाली डीटीसी बसों में ऑनलाइन टिकट या पास ले सकते हैं, जिससे आपको बसों में बैठे कंडक्टर से टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। आप अपने मोबाइल फोन से ही टिकट या पास ले सकते हैं। चार्टर ऐप से आप डीटीसी क्लस्टर एसी बसों का जो डेली पास बनता है और महिलाओं के लिए जो डेली फ्री पिंक पास बनता है वो पास भी आप ले सकते हैं। दोस्तों चार्टर ऐप के QR कोड दिल्ली की हर डीटीसी बसों में उपलब्ध होते हैं, जिसे आप स्कैन करके टिकट या पास ले सकते हैं। दोस्तों ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दी है। फिर जो स्टॉप आता है वाल्मीकि गांधी आश्रम, इसके बाद जो स्टॉप आता है डाका गांव, इसके बाद जो स्टॉप आता है परमानंद क्रॉसिंग। दोस्तों अब जो स्टैंड आता है भाई परमानंद कॉलोनी, इसके बाद जो स्टैंड आता है मुखर्जी नगर टैंक, अगला स्टैंड जो आता है मुखर्जी नगर क्रॉसिंग। और अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टॉप की ओर, जो आता है इंदिरा विहार, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है BBM क्लस्टर डिपो, इसके बाद जो स्टॉप आता है सेवा कुटीर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं और दिल्ली का जो परिवहन विभाग है उसे और ज्यादा बेहतर किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए हिम्मत प्लस ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योर ऐप है। इस ऐप को इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। इस ऐप पर आप अपना नाम और नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों इस ऐप में कई एडवांस फीचर भी दिए गए हैं। हिम्मत प्लस ऐप में QR कोड से भी एयरपोर्ट समेत 5 मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े होने वाले टैक्सी, ऑटो रिक्शा, कैब इत्यादि को भी रजिस्टर किया गया है, जिससे उस वाहन की करंट लोकेशन, वाहन चालक का नाम, गाड़ी नंबर समेत पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। हिम्मत प्लस ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दी है। और अब बढ़ते हैं दोस्तों इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो कि बहुत ही अजीब सा नाम है दोस्तों इस बस स्टैंड का, जिसका नाम है GTB नगर हकीकत नगर। इसके बाद जो स्टॉप आता है GTB नगर, अगला स्टैंड जो आता है ISH इंटरनेशनल स्टूडेंट हॉस्टल। दोस्तों अब जो स्टैंड आता है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, अगला स्टैंड जो आता है मॉल रोड, इसके बाद जो स्टैंड आता है पुराना चंद्रवाल। दोस्तों अब चलते हैं इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो कि आने वाला है मजनू का टीला, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है मजनू का टीला आउटर रिंग रोड, इसके बाद जो स्टॉप आता है PWD ऑफिस अरुणा नगर रिंग रोड। दोस्तों अब आप भी अपने मोबाइल फोन से दिल्ली में चलाई जाने वाली डीटीसी बसों की लाइव लोकेशन देख सकते हैं। आपके नियर बाय जितनी भी डीटीसी बसें चल रही हैं उन सभी की लाइव लोकेशन, पूरे रूट्स, नंबर आप अपने मोबाइल फोन के गूगल मैप के जरिए देख सकते हैं। किसी भी बस स्टॉप पर पहुंचने वाली डीटीसी बसों को ट्रैक कर सकते हैं।
इन बसों के रियल टाइम टेबल, बस रूट और बस के नंबर की पूरी जानकारी आप अपने मोबाइल फोन के मैप पर देख सकते हैं। और अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर, जो आता है वजीराबाद क्रॉसिंग जीटी रोड। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है वजीराबाद क्रॉसिंग। इसके बाद जो स्टॉप आता है गुरुद्वारा नानक सर। दोस्तों अब जो स्टॉप आता है राजीव नगर। अगला स्टैंड जो आता है खजूरी। फिर जो स्टैंड आता है भजनपुरा। और अब चलते हैं दोस्तों इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है बी ब्लॉक यमुना विहार। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है यमुना विहार ब्रिजपुरी। इसके बाद जो स्टॉप आता है सी ब्लॉक यमुना विहार। दोस्तों इलेक्ट्रिक बसों को लेकर जो भी आपका ओपिनियन है या आप अपनी कुछ राय देना चाहते हैं तो आप अपनी राय ऑडियो या वीडियो के माध्यम से हमें मेल कर सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल दिल्ली डीटीसी पर दिखाएंगे। हमारा जो मेल आईडी है dillidtcinfo@gmail.com। और अब बढ़ते हैं दोस्तों इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है गोकुलपुरी। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है यमुना विहार C4। इसके बाद जो स्टॉप आता है कृष्णा मार्ग करदमपुरी। अब जो स्टैंड आता है कबीर नगर। अगला स्टैंड जो आता है बाबरपुर। और दोस्तों इसके बाद जो स्टॉप आता है शिव मंदिर। और अब चलते हैं दोस्तों इस बस के अगले स्टॉप की ओर, जो आता है कबीर नगर गली नंबर 3। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है छज्जूपुर। इसके बाद जो स्टॉप आता है ज्योति कॉलोनी। अब जो स्टैंड आता है दुर्गापुरी। अगला स्टैंड जो आता है नाथू कॉलोनी। फिर जो स्टैंड आता है सी ब्लॉक फ्लाई ओवर नंद नगरी। और अब चलते हैं दोस्तों अगले स्टॉप की ओर, जो आता है नंद नगरी सी ब्लॉक। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है GTB हॉस्पिटल क्रॉसिंग। इसके बाद जो स्टॉप आता है GTB हॉस्पिटल। फिर जो स्टैंड आता है गवर्नमेंट स्कूल डी गार्डन। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है दिलसाद गार्डन GT रोड। इसके बाद जो स्टॉप आता है झिलमिल क्रॉसिंग। और अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर, जो आता है सादरा बॉर्डर। नेक्स्ट स्टॉप जो आता है दिलसाद गार्डन मेट्रो स्टेशन। इसके बाद जो स्टॉप आता है गाजीपुर मोर। दोस्तों अब जो स्टैंड आता है सूर्या नगर। अगला स्टैंड जो आता है राम प्रसाद मंदिर। फिर जो स्टैंड आता है राम प्रसाद क्रॉसिंग। और दोस्तों इस बस का लास्ट स्टॉप जो आता है आनंद विहार ISBT तक ये बस चलाई जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली में चलाई जाने वाली DTC क्लस्टर AC बसों के किराए की। DTC और क्लस्टर बसों का किराया सेम होता है। इनका किराया है ₹5, ₹10, ₹15। DTC की नॉन AC बस का पास ₹40 का बनता है, जिसे आप चार्टर ऐप के QR कोड को स्कैन करके भी ले सकते हैं। AC बसों का किराया है ₹10, ₹15, ₹20, ₹25। इस बस का डेली पास ₹50 का बनता है। इस पास को भी आप चार्टर ऐप के जरिए ले सकते हैं, जो कि DTC की नॉन AC बस, क्लस्टर बस और AC बसों में चलेगा। और दोस्तों हमारी पिछली वीडियो DTC बस रूट 465A पर थी, जो कि सफदरजंग टर्मिनल से मीठापुर पशुराम चौक तक जाती है। अगर दोस्तों अभी तक आपने उस वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उस वीडियो की लिंक डाल दी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।